आज हम बनाएंगे चिकन पॉपकॉर्न। ये जो चिकन पॉपकॉर्न है इसमें मैंने हल्का सा ट्विस्ट देके बनाया है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है 200 ग्राम, और इसको छोटे छोटे पीसेस मैंने कट करे हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़े पीसेस नहीं हैं इसके। और इसमें मैंने गार्लिक डाला है और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला है, और जिंजर पाउडर मैं डालूँगी इसमें। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है तो थोड़ा सा आप गार्लिक पाउडर इसमें डाल सकते हो। रेड चिल्ली पाउडर डालूंगी। अगर आपके पास ब्लैक पेपर और वाइट पेपर है तो ज़रूर डालिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। तो 1 एग डालूंगी मैं। अगर आपको एग नहीं पसंद, एग की जगह आप इसमें दही डाल सकते हो या फिर बटर मिल्क का यूज़ कर सकते हो इसमें। और मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला है, थोड़ा सा मतलब 1 और 2 टेबल स्पून। और इसको डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप इसे हाफ एन आवर के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो आप 1 और 2 आवर के लिए रख सकते हैं, या फिर ओवरनाइट भी आप इसे मैरिनेट करके रख सकते हो। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। हम इसको साइड में रख देते हैं हाफ एन आवर के लिए। और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, मतलब 1/2 टीस्पून के राउंड में सॉल्ट डालूँगी, और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डालूँगी। ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर पे बनाया है। मैंने कम से कम 5-6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इसको तोड़ के मिक्सर में डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें मैदा मिला के इसको ग्राइंड कर दिया है। मैदा मिलाने से ये होगा इजीली जो ब्रेड है वो पिस जाएगा, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट ऐसे ग्राइंड करोगे ना तो वो ग्राइंड नहीं होगा और बड़े बड़े पीसेस में होगा। मैदा डालने से बहुत इजीली ब्रेड क्रम्स बन जाता है। ये जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो हमने डाल दिए ब्रेड क्रम्स में, और उसको अच्छे से हम कोटिंग कर लेंगे। मतलब सारे जो पीसेस हैं अच्छे से कोट होना चाहिए, तभी ये क्रंची बनेगा। और आप इसे ज़्यादा कोटिंग करके बाहर ना रखें, ये सॉगी हो जाएगा और ना ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो आप तुरंत ही कोटिंग करके गर्म ऑयल में डाल के इसको फ्राई करें तो एकदम क्रिस्पी बनेगा ये। और ये ऑयल थोड़ा आपको गंदा लग रहा होगा, मैंने थोड़े से ये जो पॉपकॉर्न है फ्राई करके ऑलरेडी रखा हुआ था, थोड़ा सा मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। पहले आप हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर लीजिएगा, और इसका जो फ्लेम है थोड़ी देर बाद इसे लो कर लीजिएगा, ताकि जो चिकन है एकदम क्रिस्पी फ्राई हो। एकदम हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे ना तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से पक जाएंगे। तो हमें इवन कुक करने के लिए थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, उसके बाद इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे, और एक बार फिर उसका जो फ्लेम है वो हाई कर देंगे और फटाफट से उसे निकाल लेंगे चिकन को। तो ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है ये। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी अमूल का चीज़ ग्रेट करके थोड़ा सा। अगर आपको चीज़ बहुत पसंद है तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं, या चीज़ स्प्रेड डाल सकते हैं इसके ऊपर। तो मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ थोड़ा सा दूर दूर करके। चिकन गरम है तो ये इजीली मेल्ट हो जाएगा, और देखने में भी और खाने में एकदम चीज़ी लगेगा। थोड़ा सा मैं हरा धनिया डालूंगी, ये गार्निश के लिए है। और थोड़ा सा मैं मेयोनीज डालूंगी। अगर आपके पास चीज़ सॉस है तो आप इसमें चीज़ सॉस डाल सकते हैं। मेरे पास मेयोनीज है तो मैं मेयोनीज डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। अब हम बना लेते हैं एक रेड सॉस। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैगी का हॉट एंड स्वीट सॉस बहुत सारा, और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मेयोनीज। उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और ये जो चिकन पॉपकॉर्न है इसके ऊपर हम इसको स्प्रेड कर देंगे। तो आप देखिए कितना फ्लेवरफुल लग रहा है, मेयोनीज है, रेड सॉस है एंड चीज़ है बहुत सारा। तो बहुत ही टेस्टी है गाइस ये चिकन पॉपकॉर्न, मैंने ट्विस्ट देके बनाया है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।